हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं केदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मेनिया में। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड 10th का ट्रायंगल स्टार्ट, बल्कि एकदम वन शॉट में उसको एंड भी कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि क्योंकि कुछ सिलेबस हमारे 2021 से हट गया है, दो तीन थ्योरम जो हैं वो हट गए हैं, दो थ्योरम एग्जैक्टली टू बी वेरी स्पेसिफिक, और उनके जो एग्जांपल बेस होंगे वो नहीं आएंगे। इस वजह से उससे पहले माने जो 6.1, 6.2 और 6.3 है उसमें से जो बेसिकली 6.1 है, दिस इज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। 6.2 और जो 6.3 में जो थ्योरम्स हैं उनके एप्लीकेशन से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके चांसेस जो आने के वो काफ़ी हद तक एकदम सॉलिड हो जाता है, मतलब आना ही आना है और थ्योरम तो आता ही है। इस वजह से इसको प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जितना पढ़ाया जाएगा कंप्लीटली रिलेवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो हमें जानने की आवश्यकता है वो क्या है कि सर क्या डिफरेंस होता है सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंस में। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ इस तरह से सोचिए कि एक एक मैथ का जो आपका बुक है, जो आपके पास वो बुक है, एग्जैक्टली शेप एंड साइज का मेरे पास भी होगा स्टैंडर्ड 10th का, उसी तरह किसी और फ्रेंड के पास भी होगा। लेकिन मान लीजिए आपने अपने एक फ्रेंड को ना एक एक गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट है जैसे ताजमहल, ताजमहल का एक आपने छोटा सा रेप्लिका गिफ्ट किया, मतलब छोटा सा ऐसे एक बोलते ना शोपीस टाइप का गिफ्ट किया, तो वो जो ताजमहल है वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल ताजमहल के जैसे दिखता है, इट इज वेरी मच सिमिलर। सिमिलर क्या होता है कि जब आपका शेप सेम होता है, जब आपका डिजाइन सेम होता है तो हम उसको सिमिलर बोलते हैं, लेकिन जब वो साइज में भी सेम होता है शेप के साथ तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। आप सब मेरी बात पहुंचो भाई। मैं आपको देखिए छोटा सा बात बताता हूं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक सर्कल ले लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला एक सर्कल ले लिया, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों सेम जैसे दिखते हैं, दोनों का शेप जो है सेम है एंड प्रोपोर्शनेट है, लेकिन वो साइज में सेम नहीं है, इस वजह से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइज प्रोपोर्शनेट होना पड़ेगा, और साइज जो है हाँ प्रोपोर्शनेट होना पड़ेगा लेकिन शेप सेम होना पड़ेगा, और जो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना पड़ेगा। इतना बात आपको समझ में आया। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है कि जैसा कि आप यहाँ पे दो ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ये हो गया हमारा ट्राइंगल 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्राइंगल 2, ठीक है। इसको मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी, इसको मैं कर देता हूं पी क्यू आर। तो आप यहां पे क्या देख सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल जो है उसको देखते ही आप यहां पे मान लीजिए बोलेंगे एंगल बी जो है ना वो एंगल क्यू के साथ सेम है, मतलब यहां पे मैंने टुक टुक, यहां पे टुक टुक, अच्छा यहां पे मैंने टुक दिया तो आर में मैंने भी टुक दिया, अच्छा यहां पे मैंने टुक 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 दिया, यहां पे मैंने टुक 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 दिया। अब यहां पे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टुक टुक है वो इस टुक टुक के साथ सेम है। अब इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल सेम है, वैसे ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है। अच्छा, अब इस साइड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये साइड और ये साइड सेम है क्या, अगर ये टुक हुआ तो ये टुक टुक होगा, ये भी टुक नहीं हो सकता। साइज हमको देखते ही पता चल रहा है कि वो डिफरेंट है, लेकिन ये दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, खाली दिखने में ऑलमोस्ट सेम है बोलना तो काफी नहीं है। इस वजह से अगर दोनों ट्राइंगल्स का जो एंगल्स हैं अगर वो पूरी तरह से सेम है तब आप बोल सकते हैं कि उनका जो शेप है वो सेम होगा। इसका मतलब समझ पाए कि अगर कोई भी ट्राइंगल के तीन एंगल सेम है तो हम उसे सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं, लेकिन अगर उनका साइज भी सेम है, इन टर्म्स ऑफ की साइड भी सेम होगा, तो हम जाके उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मतलब अगर आप यहां पर बोल सकते हैं कि एक और ट्राइंगल मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो टुक टुक है ये भी टुक टुक है, एंगल टुक है, यहाँ पे एंगल टुक है, यहाँ पे एंगल ट्रिपल टुक है, यहाँ पे एंगल ट्रिपल टुक है। अब आपको ये भी बोला जाएगा ये जो साइड टुक है ये साइड टुक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो साइड टुक टुक है ये साइड टुक टुक है, ये साइड टुक टुक टुक, ये साइड टुक टुक टुक, आपको समझ में आया, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सिमिलर तो है ही, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, उसके अलावा इसको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे, क्योंकि सिमिलर भी है और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यानी शेप एंड साइज में भी सेम है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला थ्योरम देखिए, सबसे पहले हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या बोला है। देखिए सवाल क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसमें एक साइड होके पैरेलल होके एक लाइन है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब मैं आपको बताता हूँ इसको एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में किसी एक पर्टिकुलर साइड्स में मैं थोड़ा सा ही ट्रायंगल मिनी ट्रायंगल होगा इसको मैं थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको ए बी और सी नाम दूँ तो क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लीजिए साइड है बी सी उसके साथ पैरेलल होकर एक और साइड हम ड्रॉ करते हैं विच इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब इसके साथ पैरेलल करके हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये डी और यहाँ पे ई हो गया, मान लीजिए द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब हमें ये बोल रहा है कि ये डिवाइडेड बाय ये, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय सी ई, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। क्या आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? कतई आसान है, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्यू एन आई, ठीक है। हम इसको क्यू एन आई का टॉप देंगे। तो क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन में आप क्या कीजिएगा, जैसे कि ये आपको ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, देखिए आप डी सी को और बी ई को ज्वाइन कर दीजिएगा। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप ई ट्राइंगल से मतलब ई पॉइंट से लेके ए डी तक, ठीक है, एक हाइट ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए 90 डिग्री, ठीक है, जहाँ पे वो 90 डिग्री होता हो। सेम आपको यहाँ पे डी से भी ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ एफ जी, इस प्रकार से हमने उसको और भी नेमिंग कर दिया। इतना समझ में आया? अब देखिए क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है, अगर मैं आपको बोलता हूँ इसका बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, फॉर द टाइमिंग आप सोचिए, और इसका हाइट 4 है, इसका हाइट 4 है, तो क्या आप जानते हैं और ये मानते हैं कि उनका एरिया सेम होगा? हाँ, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इस यहाँ पे जो इतने पोर्शन की है, आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी ई और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी सी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए बी डी सी, इतना दिख रहा है आपको। क्या उसका, देखिए उसका साइड कितना है, उसका साइड मतलब बेस कितना है? सर बी सी है, ठीक है। अच्छा सर, उसका हाइट कितना है? सर हाइट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं इस वजह से आप कहीं भी मेजर करें उनका हाइट सेम होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब आप इसका हाइट इसको मान सकते हैं कि ये इसका हाइट है, बिल्कुल। फॉर द टाइमिंग इसको एम लेता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ कि हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम, फॉर द टाइमिंग आप केवल इतना देखिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ऐसे एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। अब इसका भी तो बेस बी सी ही है, इसका भी तो हाइट इतना ही है जो इस पैरेलल लाइन में है, तो क्या आप ये जानते हैं और ये मानते हैं कि सर बी डी सी का जो एरिया होगा बी ई सी का एरिया सर सेम होगा? बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अनुसार ये बेस सेम है, हाइट सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया कि एरिया ऑफ बी डी ई इज सेम एज एरिया ऑफ सी ई डी। इतना समझ में आया? ये तो पॉइंट हमको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। कहाँ काम आने वाला है मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ऊपर ए डी ई ट्राइंगल में क्या हिसाब किताब उनके बीच चल रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि ए, देखिए ए यहाँ पे दिख रहा है आपको, डी और जी यहाँ पे एक ट्राइंगल वाला आपको दिख रहा है ऐसे करके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जो भी ट्राइंगल आपको दिख रहा है, देखिए ए डी ई ट्राइंगल, बड़ा सा ट्राइंगल देखिए, ए डी ई ट्राइंगल, ठीक है, इसका रेशियो आप नीचे के जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं उनके साथ बारीक की बारी निकालिएगा। मतलब ये ऊपर का ए डी ई ट्राइंगल के रेशियो नीचे बी डी ई ट्राइंगल के साथ एक बार निकालिएगा, और फिर ए डी ई का रेशियो वही डी ई सी के साथ एक बार निकालिएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल ए डी ई का रेशियो किसके साथ हम करेंगे, ए डी ई का, इधर देखिए बी डी ई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल बी डी ई, इसके साथ एक बार रेशियो निकालेंगे। अच्छा, इसका हिसाब किताब एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपको एरिया ऑफ ए डी ई चाहिए तो ए
डी ई में उसका बेस और हाइट, मैं क्या करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैं लेफ्ट ट्राइंगल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसके लेफ्ट वाले साइड को बेस मान लेता हूँ। और हाफ तो करना ही है, हाफ से तो बच ही नहीं पाएंगे। अरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो करना ही है, तो मैंने हाफ को हाफ तो लिखा हुआ, हाफ को कुछ और कैसे लिखूँ। अब देखिए यहाँ पे वाला जो साइड है ये मुझे मिल गया है ए डी, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उतना तो काफ़ी नहीं है, इस ट्रायंगल का केवल बेस जानना काफ़ी नहीं है, हाइट जानना जरूरी है। देखिए क्योंकि 90 डिग्री है तो ये हाइट होगा, इसका मतलब इस ये अगर बेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट है ई एफ। तो क्या आप ये इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे ई एफ लिख दूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अरे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा राइम हो गया क्या ये? अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बी डी का एरिया देखिए, दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है अच्छा बी डी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ तो लिख दिया, इसमें तो कुछ रोकना है टोकना है नहीं। बेस मैंने यहाँ पे ये वाला लिख दिया बी डी का, बी डी बेस लिख दिया क्योंकि ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया बी डी इंटू मेरे प्यारे बच्चों हाइट। देखिए ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है, तो हाइट यहाँ पे नहीं आएगा, हाइट इमेजिनरी 90 डिग्री आएगा। मतलब अगर मान लीजिए इसको एक्सटेंड करते तो एक इमेजिनरी 90 डिग्री जहाँ पे बनता हम उसको हाइट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक ट्रायंगल मान लीजिए जैसे टेढ़ा सा ट्रायंगल है, तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं इमेजिनरी एक बाहर ट्रायंगल लेते हैं, बाहर साइड लेते हैं कि नहीं, वैसे ही इसका जो हाइट हो जाएगा मेरे बच्चों बी डी का जो हाइट है वो ये वाला हो जाएगा ई एंड एफ हो जाएगा, ई एंड एफ। आपको इतना समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ सर, लेकिन कुछ तो कटेगा। हाँ बिल्कुल सर, ये तो हमारी नज़र से बच ही नहीं सकता सर, ई एफ ई एफ। ओहो हो हो, तो क्या आप को ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ए डी बाई बी डी हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया बी डी। अब हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई तो ए डी ई ठीक है, बट एरिया बी डी ई की जगह इस बार हो जाएगा डी ई सी। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसका लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डी ई सी, ये वाला एरिया ठीक है। इसके साथ डी ई सी मतलब बी वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा तो अब देखिए ऊपर का तो सेम रहेगा हाफ इंटू ए डी मतलब ये वाला पार्ट, लेकिन ए डी की जगह क्योंकि अब मैं राइट वाले पर आ रही में बात कर रहा हूँ तो साइड अब मैं ए ई साइड को लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अब मैं इसको लिख दूंगा ए ई, क्या आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है? अब मैं ये वाला साइड लूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, डी जी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी जी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, अब देखिए मुझे क्योंकि डी ई सी वाला चाहिए डी ई सी, उसके अनुसार हाफ इंटू यहाँ पे मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, ये वाला बेस मैं इसी को लिखूंगा ई सी ठीक है, इंटू हाइट में लिखूंगा ई एफ। इतना क्लियर है? हाइट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई एफ लिखा हुआ है। अच्छा, एक सेकंड सेकंड, हाइट को मैं डी जी लिखूंगा क्योंकि मैंने साइड को ए लिया है ना, ए वाला साइड लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ई सी ए की तरफ है तो हाइट में डी जी लिखूंगा ठीक है। अब देखिए कुछ और कटेगा, देखिए सर हाँ हाफ हाफ कट गया, डी जी कट गया, क्या बचा ए बाई ई सी बचा। इतना समझ में आए? इतना क्लियर है? अच्छा अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ, अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे लिया था इससे एक छोटा सा रेफरेंस लेना, मतलब एग्जैक्टली ये उतारना नहीं, मैं आपको ये समझाने के लिए बोला था, उससे थोड़ा सा रेफरेंस लेना है। क्या मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग हमें क्या चाहिए कि ये साइड का रेशियो चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये जो एरिया है इनका रेशियो, देखिए उससे पहले एक चीज देखिए, ये बी डी ई ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, बी डी ई ट्राइंगल, और यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या डी ई सी ट्राइंगल। क्या आप इसके बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि इनका भी साइड सेम है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिनका बेस सेम है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये वाला रेफरेंस लिया था बिल्कुल वैसे, इसका बेस सेम है और आप बोल सकते हैं कि इनका हाइट भी सेम होगा क्योंकि पैरेलल लाइन के अंडर आते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं और ये मानते हैं कि इन दोनों का एरिया भी सेम होगा? क्यों? क्योंकि वो सेम बेस और सेम हाइट शेयर करते हैं। इसका मतलब आप ये बोलते हैं कि एरिया बी डी ई विल बी सेम एज एरिया ऑफ डी ई सी। इतना क्लियर है? अच्छा अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, ए डी ई ए डी ई, और हमने अभी ये भी बोल दिया कि एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। क्यों? वो रीजन आप यहां पे बता सकते हैं, क्योंकि डी ई इज कॉमन बेस एंड दे आर बिटवीन अ पैरेलल लाइंस, मतलब डी ई एंड बी सी, और जब पैरेलल लाइंस के अंदर होता है तो इनका हाइट सेम होता है। इस वजह से हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो भी लिखा है ये वही लिखा है, दोनों तो सेम है ना, इसका मतलब राइट साइड में जो भी लिखा है वो तो भी सेम होगा। मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं सर कि ए डी बाई बी डी इज सेम एज ए ई बाई ई सी। बिल्कुल सर, मैं यही तो बोलना चाहता हूं, और लकीली हमें यही तो प्रूव करना था, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। देखिए
कितना इजीली हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कैसे कि सबसे पहले सिमिलर यहाँ पे हाइट दोनों का ले लेंगे, ऊपर का नीचे लेफ्ट वाले के साथ, ऊपर का राइट वाले के साथ कंपेयर करके डिवाइड कर दो। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों के सामने है, लेकिन कतई क्यूट सवाल है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या बोला है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल हमने लिया रखा है ए बी सी, ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया सर, ए बी सी हमने ले रखा है। उसमें क्या बोलता है कि एक जो साइड है वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली डी और ई में, सच दैट इट इज पैरेलल टू बी सी, जो कि बी सी के साथ पैरेलल है, जो कि अभी हमने थ्योरम किया था। तो सर अभी तो हमने किया था, फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या है? कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे बस प्रूफ करना है कि ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। मतलब तब आपको क्या करना था, साइड छोटा छोटा प्रूफ करना था, मतलब ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, इतना। अब पूरा का मतलब पहले वाले के साथ पूरा करना है, यहां से यहां तक आपको करना है, तब आप दिस एंड दिस करते थे ब्रेक करके, अब इसको पूरे के साथ करना है। और काफी सिंपल है ये, इसमें बस दो या तीन स्टेप है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले क्योंकि दुनिया जानती है कि क्यों कि बी सी पैरेलल टू डी ई है, आप बोलते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इसका मतलब हम ये क्लियरली लिख सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाई बी डी Equals to AE divided by CE, ये रेशियो तो हम लिख ही सकते हैं, इतना क्लियर है। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे चाहिए क्या, AD और AE तो चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए सर, BD और CD, कुछ CE हमें कुछ जम नहीं रहा है, इसका कुछ कीजिए, करता है उसको आप पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब BD by AD equals to CE by AE। मतलब क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर आप रेसिप्रोकेट दोनों तरफ कर देंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए मैं क्या बोलता हूं, तो जब आप ऐसा करते हैं, अब दोनों तरफ प्यारा सा एक छोटा सा वन ऐड कर दीजिए, मतलब यहां पे लिख दीजिए बी डी बाय ए डी प्लस वन इक्वल्स टू सी ई बाय ए ई प्लस वन, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एलसीएम जाएगा तो यहाँ पे देखिए एडी रहेगा, बट यहाँ पे तो बीडी रहेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एडी, जो कि हमें ऐड करना था। अच्छा यहाँ पे देखिए एई हो जाएगा, ऊपर सी है और ऊपर एई ऐड हो जाएगा, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बीडी प्लस एडी दुनिया जानती है सर, सर बीडी यहाँ पे है, एडी यहाँ पे, ओहो ये तो सर एबी है बिल्कुल, और डिवाइड नीचे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ए बी ए डी, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद सी ई प्लस ए ई, देखिए सी ई और ए ई मिला के क्या हो रहा है सर, अच्छा ये तो सर ए सी हो रहा है, और नीचे भोले भटके कौन रह गया है सर, ए ई रह गया है। अब क्या आप ये जानते हैं कि इसको हम उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आंसर की तरफ बढ़ेगा, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ओहो हो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे इतना क्लियर है ना, इतना तो समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ लिया जाए, बिल्कुल सर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब देखिए हमारे पास क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल है जिनपे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एंड देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब अगर हम दो ठो ट्राइंगल लेके चलेंगे, देखिए मान लीजिए ये वाले के मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, अच्छा, और मैंने ये वाला एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर है आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी ई और यहाँ पे एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उनका एंगल्स सेम है, मतलब ए टुक 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 टुक, ये तीनों एंगल अब एक दूसरे के साथ सेम है, मतलब इसके साथ करिस्पॉन्डिंगली सेम है। तो हमें क्या बोला है कि वो सिमिलर हैं, उनका साइड का रेशियो भी सेम होगा, सिमिलर हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम ये जो प्रूफ करें इसको हम बोलते हैं ए ए ए सिमिलैरिटी, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ए ए ए एंगल एंगल एंगल, ये सेम होने के कारण इसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहली बात आप क्या करो कि आपको पता चल रहा है कि ये दोनों का साइड सेम नहीं है, तो आप एग्जैक्टली क्या करो कि ये एंगल तो अपनी जगह है ही, ये जो साइड है उसके साथ, ये मान लीजिए टुक टुक साइड है, तो ये बेसिकली टुक टुक साइड के साथ एग्जैक्टली सेम करके मैं यहाँ पे क्या करो, आप इतना ही लेंथ का यहाँ पे कट कर दो, लेट्स से ये आपने ई कट कर दिया ए बी के लेंथ का डी ई, और उसी तरह ए सी के लेंथ का यहाँ पे आपने कट कर दिया एफ, और यहाँ पे एक आप नया साइड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया।
अब देखिए क्या हो जाएगा, इन बिटवीन ट्राइंगल आपको यहाँ पे पता है कि पहली बात कि ये गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये वाला पार्ट आपको तो गिवन है। उसके अलावा आपको ये भी तो पता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल यहाँ पे डी ई एफ है। अच्छा तो ई एफ यहाँ पे एम एन कर देता हूँ क्योंकि नेम हमारा ओवरलैप हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पता है डी ई एफ है, ये वाला सी इक्वल टू एंगल एफ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जब उन्होंने यहाँ पे एक नेचुरली एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे एंगल ये वाला, अगर मैं इसको टुक टुक एंगल मानूं तो क्या ये भी टुक टुक एंगल नहीं होगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली उसी के साथ सेम लिया हुआ है, और ये भी ट्रिपल टुक है तो ये भी ट्रिपल टुक का एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने पूरा का पूरा सेम कर दिया ना, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट किस तरह से, देखिए ये साइड हमने ले लिया, यहाँ पे मैंने ये साइड को मैं ट्रिपल टुक साइड मानता हूँ इसके जो फ्रंट में है, इस वजह से तो ये वाला साइड भी तो 1 2 3 ट्रिपल टुक होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला साइड अगर मैं टुक टुक मानता हूँ तो ये वाला साइड भी तो टुक टुक होगा यहाँ से यहाँ तक। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, और ये एंगल तो सेम है तो इसका मतलब ये साइड एंगल और साइड के अनुसार कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड उनके सारे एंगल सेम है। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो एंगल है ये एंगल भी तो सेम होगा, इतना क्लियर है, क्योंकि ये एंगल इसके साथ सेम है और ये एंगल इसके साथ सेम है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके साथ सेम होगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि डी, देखिए यहाँ पे डी एम और एन, डी एम और एन जो एंगल है वो सेम हो जाएगा डी ई और एफ एंगल के साथ, ये वाला एंगल इसके साथ सेम हो जाएगा, टुक टुक दोनों सेम होंगे। अच्छा इधर आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एन एम सेम हो जाएगा डी एफ ई के साथ, मतलब ये जो ट्रिपल टुक और ट्रिपल टुक है यहाँ पे सेम हो जाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब क्योंकि वो सेम हो जाएंगे उस वजह से आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये पैरेलल साइड्स है, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है ना, तो आपको पता है ना कि करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो ये पैरेलल साइड होता है। इसका मतलब आप इतना यहाँ पे क्या रेफर कर दिए कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एम एन है दैट इज पैरेलल टू ई एफ है, आपको इतना समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा है कि एम एन पैरेलल टू ई एफ है तो इसके साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, मतलब बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, ए एम साइड जो है उसका इसके साइड के साथ सेम होगा, इतना क्लियर है। तो हमें यही तो प्रूफ करना है उनका साइड सिमिलर है करके, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो डी एम है वहां पे आप डी ई के साथ इक्वल कर सकते हैं, इतना क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साइड्स का पूरी तरह से भी सेम होता है, जैसे इससे पहले हमने किया था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कि हम लिख सकते हैं डी एम डिवाइडेड बाय यहाँ पे डी ई इक्वल्स टू डी एन डिवाइडेड बाय डी एफ, क्योंकि हमने इससे पहले किया था कि साइड अगर रेशियो सेम है तो दिस बाय होल टोटल इक्वल टू दिस बाय टोटल हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले प्रूफ किया था। उसी अनुसार आप यहाँ पे क्या लिखे, डी एम डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू डी एन डिवाइडेड बाय डी एफ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि साइड्स में ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड एग्जैक्टली किसके साथ हमने सेम किया था, डी एम के साथ सेम किया था, और हम ये ए सी साइड किसके साथ सेम किए थे, क्योंकि उसी अनुसार हमने कट किया था कि हमने इसको डी एन के साथ कट किया था। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि ये जो डीएम है वो डीएम हमें दिख तो रहा है, मन की आंखों से अगर हम देखें तो आपको वो ए बी दिखेगा डिवाइडेड बाय डीई है इक्वल्स टू, ये जो आपको डीएम दिख रहा है वो मन की आंखों से आपको डीएम तो दिख रहा है, बट आपको देखेंगे तो वो ए सी दिखेगा बाय डीएफ। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोले कि अगर वो दोनों सिमिलर इस तरह से हैं हमने किया, तो हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, आपको पता है इनके साइड के रेशियो सेम है, आपको पता है यहाँ वाला एंगल सेम है, आपको इतना क्लियर है? तो आपको हमें क्या प्रूव करना था, करेस्पॉन्डिंग देन इन द रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, उनके साइड के रेशियो सेम है और साइड के रेशियो सेम है और एंगल सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल अपने सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए काफी क्या होता है, उनके साइड के रेशियो सेम होने। अब आप इसके बाद लिखेंगे क्या, मैं आपको बता रहा हूं, AB by DE equal to AC by DF, hence we can also prove कि BC by EF, this equal to we can also prove कि BC by EF, and because the side, the ratio of the sides are similar, they are two corresponding, मतलब similar triangles। इतना clear है, इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कतई आसान सा एक सवाल है, मतलब इतना 30 सेकंड्स का एक आंसर होने वाला। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, आप यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, पी क्यू जो साइड है वो पैरेलल टू आपको आर एस साइड बोला हुआ है कि ऐसा आप एज्यूम करना है, देन प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि ये दोनों, अच्छा यहाँ पे ये वाला
इतना साइड में यहाँ पे आपको सिमिलर करने का है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये वाला और RS, ये वाला क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, PQ पैरेलल टू RS होने के कारण आप बोल सकते हैं कि देखिए PS इंटरसेक्ट किया हुआ है दोनों को, तो आप देखिए क्या बोलेंगे कि एंगल P इज सेम एज एंगल S, बोलो सही है। हाँ सर सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि एंगल Q इक्वल टू एंगल R, वो भी तो करेस्पॉन्डिंग है, ये तो सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और एक चीज क्या है कि आप अगर POQ एंगल को देखें और ROS एंगल को देखें वो भी सेम होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये तो ये दोनों तो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इस अनुसार आप ये जानते हैं और ये मानते हैं कि ये जो दोनों साइड्स हैं, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स सेम हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROS, हेंस प्रूव्ड। इतना क्लियर है, ओहो समझ में आ गया, काफी टैलेंटेड बच्चे हैं आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा विकास करते हैं क्वेश्चन के लेवल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले सवाल जो हमारे पास आ गया है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो ट्रायंगल है बेसिकली, एक छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल जिसका नाम है ABC और बेचारे के पास तीन साइड है जिसमें एक है 3.8, एक है 3√3 और एक है 6, और उसमें एंगल भी दो गिवन है 80 डिग्री और 60 डिग्री है। लेकिन और एक जो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है उसमें RPQ उस प्यारे से ट्रायंगल का नाम है जिसमें हमें मिला है साइड्स एक 6√3, एक 7.6 और एक 12, और आपको निकालना है PO जो इस ट्रायंगल में है जबकि इस ये वाला एंगल गिवन ही नहीं है। अच्छा तो सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम जो पहला ट्रायंगल गिवन है उससे ये वाला ट्रायंगल के बाकी एंगल्स निकालेंगे और P निकालेंगे, गजब ढा रहे हैं आप लोग, गजब कैसे जान गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे ऐसे वैसे एकदम मन की, और हमने ABC सिमिलर टू PQR RPQ ऐसे लिखना गलत है क्योंकि कौन किसके साथ एंगल सेम है ये जानने की आवश्यकता पहले है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो AB साइड है मेरे पैर वो जो वो 3.8 है और ठीक उसका जो डबल आपको दिख रहा है देखिए 7.6, जो बेसिकली आपका PQ जो RQ जो आपको दिख रहा है ये आपका 7.6 है। इतना समझ में आया, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि AB by RQ is 1/2, है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 वैल्यू होगा कि नहीं। अच्छा उसके अनुसार आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा AC जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC equals to 3√3 जबकि आपको PR दिख रहा होगा 6√3, है कि नहीं। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि AC by PR equals to 1/2, इतना क्लियर है, AC by PR, AC के साथ PR आ रहा है। उसके अलावा देखिए आपको यहाँ ये तो एक बॉक्स हो गया, ये तो एक बॉक्स हो गया, और एक यहाँ पे क्या दिख रहा होगा देखिए ये वाला BC आपको दिख रहा है 6 है ना, BC 6 है और आपको PQ साइड दिख रहा है कि 12 है, इसका मतलब BC by PQ equals to 1/2, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तीनों 1/2 तो हैं, कौन किसके साथ जा रहा है ये आवश्यक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्योंकि पहले A और C के बीच 3√3 है और यहाँ पे R और P के बीच 6√3 है, तो आप उसी अनुसार नेमिंग कीजिएगा कि आप बोल सकते हैं कि A यहाँ पे देखिए BC ट्रायंगल इज सिमिलर टू, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ और एक ट्रायंगल तो क्या लिखूंगा, देखिए मैं पहले क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे AB लिखा हूँ, AB और AB कितना है 3.8, तो उस तरफ 7.6 वाला लिखूंगा मैं RQ RQP, ये लिखना आवश्यक है। आपको समझ में आ रहा है, जिससे आप इतना क्लियर हो जाएंगे कि जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे P के करेस्पॉन्डिंग कौन सा लिखा हुआ है C, तो ये जो एंगल C है वो इस पे P को रिप्रेजेंट करता है, ना कि केवल C राइट साइड है तो Q राइट साइड है तो उसको लिख देंगे कि हाँ सर ये तो इसके साथ सेम हो जाएगा Q के साथ। इतना क्लियर है, देखिए क्योंकि C P के साथ सेम होगा ना कि Q के साथ। यहाँ पे देखते हैं हमको क्या लग रहा होगा, नहीं तो पहले देखते हैं कि सर ये P तो लेफ्ट में है, B तो यहाँ पे लेफ्ट में है, ये 60 है सर, नहीं 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 C के साथ P सेम होगा सिमिलरिटी के अनुसार, उसका मतलब पहले आपको C निकालना पड़ेगा और C का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री माइनस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, गजब। अब यहाँ पे देखिए 80 प्लस 60 कितना सर 140, तो क्या आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये 40 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल, तो क्या आप ऐसा बोल रहे हैं कि P भी 40 डिग्री होगा, सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग निकाले। इतना क्लियर है, इतना सही है, तो आगे बढ़ा जाए, ओके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये वाला देखिए सवाल आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, इसमें क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है सर OA into OB equal to OC into OD,
और यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट ए एंगल इक्वल टू सी एंगल एंड बी एंगल इक्वल टू डी एंगल, और यहाँ पे एक फिगर भी हमारे सामने दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा तो सर आप ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं और अलग अलग ट्राइंगल को कंपेयर करना है। देखिए कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो जो लिखा चुका है उसको मैं लिख देता हूँ, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो OA है OA यहाँ पे रख दिया, और मैं OA वाला क्या बोलता है, OC और OD में से किसको बुलाता है, वो बोलता है OC इधर आ, तो OC यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे OC नीचे, और तो फिर अपने आप OB बेचारा क्या करेगा, OD के नीचे चले जाएगा, तो OD डिवाइडेड बाय OB। अब देखिए यहाँ पे OA और OC का कंपैरिजन है, जबकि OD और OB का कंपैरिजन है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों, ये दोनों साइड के रेशियो सेम है, और आपको जानते हैं कि AOD एंगल इक्वल टू COB एंगल है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस अनुसार क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर AOD ट्राइंगल इज सिमिलर टू COB ट्राइंगल, इतना क्लियर है। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एंगल विल बी सेम एज सी एंगल, और इसके बाद डी एंगल इक्वल्स टू एंगल बी एंगल। अरे अरे अरे, यही तो सर हमें प्रूव करना था, हमने तो कर दिया, एकदम सही जवाब। और अगर आप प्रूव करते हैं तो दो क्वेश्चन और करना है बच्चों, बस दो क्वेश्चन और, ध्यान से सुनिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो हमारे सामने आ चुका है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक बच्ची है जिसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा हमारे पास लैम्प पोस्ट है, मुझे पता नहीं लैम्प पोस्ट देखिए कैसे होता है, और कोई हंसेंगे नहीं मेरे ड्रॉइंग पे। ठीक है, मान लेते हैं कि अच्छा एक लैम्प पोस्ट है जिसका हाइट हमें पता है ग्राउंड से 3.6 मीटर का अबव का हाइट है, उसमें क्या हुआ है कि अ गर्ल इज वॉकिंग अवे, मतलब यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, और वो वॉकिंग अवे, वो जा रही है आगे, ठीक है, फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब बेसिकली इस रास्ते में वो जा रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो आगे बढ़ रही है, इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, तो जैसे शैडो में मान लीजिए कुछ इस तरह से उसका शैडो आएगा कि नहीं, क्योंकि ये लैम्प पोस्ट है, देखिए उसका शैडो कुछ यहां से यहां तक आएगा, तो यहां तक ये वाला उसका शैडो आएगा। आपको अब तक इतनी बात पहुंच पा रही है, मैं इसको ए बी और यहां पे जो गर्ल यहां पे खड़ी है तो सी, और इसका शैडो जहां तक जा रहा है उसको मैं डी का नाम दे देता हूं। अब यहां पे देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि क्योंकि वो 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड में चल रही है और वो 4 सेकंड तक चली है, इसका मतलब टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर की होगी इतना टाइम तक। सर हमारा ख्याल है कि 4 × 1.2 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 4.8 मीटर। सर इसका मतलब हमें लगता है कि वो 4.8 मीटर चल के आगे चली गई है, इसका मतलब आप ही जानते हैं और ये मानते हैं कि यहां से यहां तक मेरे प्यारे बच्चों 4.8 है। बोलो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखिए यहां पे क्योंकि ये पैरेलली यहां पे लैंप है, ये तो पैरेलली खड़ी है, तो क्या ये एंगल सेम है, क्या ये एंगल सेम है? अच्छा, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं कि क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल यहां पर एम दे देता हूं, तो M यहां पे क्योंकि ये देखिए पैरेलल है ना, और पैरेलल में ये वाला इंटरसेक्ट हुआ है, यानी हम करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम बोल सकते हैं, तो हम यहां पे बोल सकते हैं इतना क्लियर है कि उस अनुसार ए बी एंड डी जो आपको दिख रहा है ना, ए बी और डी जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहां पे, दैट इज एकदम सिमिलर टू, आपको यहां पर देखेगा MCD ट्राइंगल आपको सिमिलर दी जाएगा। आपको इतना समझ में आ रहा है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो भी तो सेम होंगे। बिल्कुल सर सेम होंगे, इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए एक मिनट के लिए इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना उसका शैडो का लेंथ कितना है, जो निकालना है एक्स मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनके साइड के रेशियो उसी अनुसार सेम होंगे। अब उस अगर साइड के रेशियो सेम होंगे तो हम क्या क्या सेम बोल सकते हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो सर हम ऐसे ऐसे सेम बोल सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो साइड आपको दिख रहा है DM, बिल्कुल सर DM, उसके साथ रेशियो किसका आ जाएगा आपका DA का, ठीक है, इतना क्लियर है। इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हम जो बोल रहे हैं DC, बिल्कुल सही, उसके साथ आ जाएगा आपका DB का,
इतना क्लियर है आपको, इतना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे MC, ये हो जाएगा आपका AB का, इतना क्लियर है। ये रेशियो सर हमारे अनुसार सेम होंगे। इसमें आपको क्या पता है, देखिए सर इसमें देखिए इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, मतलब DM और AD का, DM और AD का कोई हिसाब किताब नहीं, छोड़ दो। DC के बारे में आपको क्या पता है सर, DC के बारे में हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं X, किसको DC को X लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय BD के बारे में सर क्या ख्याल है, सर BD को हम लिख सकते हैं 4.8 प्लस X, बोलो सही है। हाँ सर सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, MC का वैल्यू यहाँ पे उसका जो हाइट है हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो कितना उसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो इन टर्म्स ऑफ आप मीटर करें तो इसको क्या लिख देंगे 0.9 मीटर, इतना क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं 0.9 लिख देता हूँ ये वाला ट्रायंगल के बारे में। और अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 3.6 मीटर लैंप पोस्ट, जो इसके साथ कंपैरिजन है AB का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.6। क्या आप तक इतनी बात पहुँच पाई? अच्छा आप ये जानते हैं कि ये 1/4 होगा, इतना तो क्लियर है ना। अच्छा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 × x सर हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x, लेकिन x कूद के जंप करके इस तरफ आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू 4.8 या 3x इक्वल टू 4.8 या x इक्वल टू 1.6। अच्छा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो शैडो का जो लेंथ है वो 1.6 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही, गजब डार है आपका, गजब बहुत सही। और अगर ये हो गया तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने जैसे आपको बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देख लिए CM एंड RN, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है CM ये वाला जो है और RN रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR। जब आपको बोला गया कि मीडियंस हैं तो पहली बात तो क्लियर हो गया कि जिसको भी ये हिट किए हैं वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गए तभी तो वो मीडियन कहलाएगा। अच्छा तो अब आपको क्या करना है, इफ ABC सिमिलर टू PQR, आपको यहाँ पे गिवन है कि ABC और PQR ही सिमिलर है, इतना पता है कि ये गिवन है, तो आपको ये तीनों प्रूफ करने हैं एक एक करके। पहला क्या प्रूफ करना है कि AMC सिमिलर टू PNR, मतलब ये बेसिकली राइट साइड ऑफ द ट्रायंगल में आता है, AMC PNR ये राइट साइड ऑफ द ट्रायंगल में आता है। उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, CM बाय RN जो मीडियन बाय मीडियन है वो AB बाय PQ के साथ सेम होना चाहिए, मतलब साइड AB बाय PQ कोई भी साइड के रेशियो के साथ सेम होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सारे साइड तो रेशियो सेम होता है एक दूसरे के साथ। और CMB यानी लेफ्ट साइड तो ट्रायंगल में आता है, CMB उसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा RNQ, उसके साथ ही सिमिलर है। तो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात कि मुझे ABC और अगर PQR बोला है कि ये सिमिलर है, तो पहला चीज मेरे दिमाग में आता है इसका मतलब हो सकता है कि AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR। क्या आप तक इतना बात पहुंच पाई, क्योंकि अगर ये सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि ये तो सेम उनका साइड का रेशियो सेम होता ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे AMC और PNR को टारगेट करना है। अब मैं देखता हूं कि AMC और PNR में देखिए क्या है कि मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्यों, क्योंकि सिमिलर होने के कारण एंगल भी तो सेम होंगे, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, और ये क्या हो जाएगा आपका एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, और ये क्या हो जाएगा आपका एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी तो सेम होंगे ना, तो इनको लेकर टारगेट करना है। अच्छा अब देखिए आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, इससे देखिए AC है और PR है, देखिए AC और PR आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही में, इसमें AC है इसमें PR है, तो AC बाय PR यहाँ पे मैं लिखा, क्या मैं ये इससे उठाया हूँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा आपको वो पता है कि वो यहाँ पे देखिए PQ और AB इनके भी रेशियो के साथ सेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB बाय PQ। आप ध्यान से देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं PQ को 2PN लिख सकता हूँ और क्या मैं AB को 2AM लिख सकता हूँ, तो यहां पे देखिए मैं इसको 2AM किसको AB को लिख दिया और PQ को 2 × PN लिख दिया, ये तो सही बात है ना, क्योंकि मीडियन होने के कारण ये उसका डबल है, AM का डबल AB है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास मिल गया AC बाय PR इक्वल टू AB
बाय पी एन, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइड बाय साइड, ये जो ए सी बाय पी आर ट्राइंगल का राइट साइड में इज सेम एज ए बी, अच्छा ये ए बी यहाँ पे ए बी नहीं होगा, ये यहीं छोटा सा गलती हो गया, ये ए एम होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए एम है ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका ए एम बाय पी एन, ए एम डिवाइडेड बाय पी एन। इतनी बात क्लियर है, इतना बात आपको समझ पाया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड के रेशियो तो सेम है, उसके अलावा आपको ये भी पता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो ये तीनों के अनुसार देखिए साइड का रेशियो सेम है और एंगल सेम है, तो एस ए एस सिमिलरिटी के अनुसार आप क्या बोल सकते हैं कि ए एम सी जो ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू पी एन आर ट्राइंगल, जो कि हमें बेसिकली प्रूफ करना था, ए एम सी सिमिलर टू पी एन आर, ये हमारा पहला चीज प्रूव हो गया, इतना क्लियर है। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, देखिए आपको अभी क्या प्रूव करना है, सी एम बाय आर एन इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, तो पहली बात मैं इसको मिटा दूं। अच्छा अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सी एम बाय आर एन और अगर ए बी मतलब ए बी बाय पी क्यू लाना है, तो हमें पता है कि सी एम बाय आर एन अभी हमने क्या निकाला, सी एम बाय आर एन जो अभी हमने निकाला सिमिलर करने के चक्कर में, सी एम बाय आर एन क्योंकि सिमिलर है तो हमें पता है ना कि वो ए सी बाय पी आर के साथ सेम है, ए सी बाय पी आर के साथ सेम है अभी हमने निकाला, पर हमें पता है ए सी बाय पी आर किसके साथ सेम है, ए बी बाय पी क्यू के साथ, इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच में से इसको मैं हटा दिया तो आप लोग उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा, तो सी एम बाय आर एन इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में बेसिकली आपको लेफ्ट साइड पर ट्राइंगल प्रूफ करना है, मतलब बेसिकली ये वाला साइड आपको इसको सिमिलर प्रूफ करना है, तो बेसिकली सेम जैसे हमने इससे पहले वाला किया था वही वाला स्टेप अपनाएंगे। अच्छा आपको पता है कि सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, इतना तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, हम अभी ऑलरेडी इसको समझ सकते हैं, पर हमें पता है कि ए बी बाई पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, सर यहाँ पे मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएं, ए बी बाई पी क्यू हमें पता था, पर ए बी को मेरे प्यारे बच्चों आप ए बी को क्या लिख सकते हैं सर, टू बी एम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं लिख दिया टू बी एम, इतना क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं टू क्यू एन, टू क्यू एन, अच्छा तो टू टू कट गया, तो यहाँ पे देखिए क्या मिला मुझे, सी एम बाय आर एन इक्वल टू बी एम बाय क्यू एन, देखिए सी एम बाय आर एन इक्वल टू बी एम बाय क्यू एन, अब हमें ये वाला साइड भी यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा मुझे ये पता है कि ये जो साइड्स है वो फिर बी सी बाय क्यू आर के साथ सेम है, इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ऐसा क्यों, क्योंकि सर सी एम बाय आर एन ए बी बाय पी क्यू के साथ सेम है, बट ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर के साथ सेम है, इसका मतलब बी एम बाय क्यू एन जो आया हमारा, बी एम बाय क्यू एन जो आया वो बी सी बाय क्यू आर के साथ सेम होगा, और हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि एंगल क्यू और एंगल बी सेम है, तो इससे हमें पता चल जाएगा, देखिए सी एम बाय आर एन ये वाला सी एम बाय आर एन उसके साथ हमने इसको सिमिलर कर दिया, तो हमें पता चल गया बी एम और क्यू एन का रेशियो बी सी और क्यू आर के रेशियो के साथ सेम है, और ये भी हमारा साइड एंगल और साइड के अनुसार हमारे हो गए सिमिलर ट्राइंगल्स, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको भी लेके क्या बोल सकते हैं कि सी एम बी, देखिए सी एम बी जो है पर ट्राइंगल आपको दिख रहा है, सी बी एम, इनफैक्ट सी बी एम आप इसको कर देता हूं मैं, आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी अनुसार आपको यहां का नाम लेना पड़ेगा आर क्यू एन, आर क्यू एन इस सिमिलर से बोलते हैं, वैसे अगर आप ऐसा नहीं चाहें तो सी एम बी आर एन क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आता हो, जितना भी हमने अभी तक थ्योरम किया वो काफी इंपॉर्टेंट, और जो क्वेश्चन उसके ऊपर बेस है वो भी मैंने कर दिया, उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके अलावा जो हमारे जो इस सिलेबस में जो रिड्यूस हुआ है दो एक्सरसाइज और, वो हमारे तो नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है उन थ्योरम्स को बेसिकली, क्योंकि वो जो थ्योरम थे जिसमें आपका साइड का रेशियो एरिया का रेशियो का स्क्वायर होता था और उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव करना था, ये हमेशा आते थे, उस वजह से क्योंकि अब वो नहीं आएगा इस वजह से इतना जो हमने किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आई होप आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।